सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली की अगर बात करें, वहां पर रावण दहन हो चुका है, राजधानी लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें हैं और अभी और कितना इंतजार? देखिए, हम जिस जगह पर मौजूद है, ये ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला मैदान है ये, और ऐतिहासिक इसलिए है कि संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की, लेकिन विनय पत्रिका की जो रचना की वो यहीं इसी जगह, इसी ऐशबाग का ये जो रामलीला मैदान है यहीं पर की। तब उन्होंने चौमासा यानी 4 महीने तक यहाँ पर रहे थे और तभी से 400 वर्ष पुरानी ये रामलीला है। इस बार आप देखिए, हर बार एक थीम रहती है रावण जो बनाया जाता है, और इस बार ये धार्मिक अलगाववाद और मतांतरण, यानी जिस तरीके से हम कहें कि धर्मांतरण है, लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में ऐसी खबरें आ रही हैं, उसको एक प्रतीक, बुराई का प्रतीक बनाया गया है रावण के रूप में, और ये 80 फीट का रावण तैयार किया गया है। हालाँकि 2 वर्षों को अगर छोड़ दें जब से कोरोना है, उससे पहले इस ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में 121 फीट का रावण बनता था, 80 फीट का मेघनाथ और 70 फीट का कुंभकर्ण बनता था, तैयार किया जाता था जी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आए थे और वो यहां पर जब रावण दहन का जो कार्यक्रम था उसमें भी शामिल हुए थे। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक मैदान है, रामलीला ग्राउंड है, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक, आशुतोष टंडन, वो पहुँचेंगे, और उसके बाद रात तकरीबन 8 बजे के आसपास ये जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो होगा। आप देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत लिमिटेड नंबर्स में लोगों को यहाँ पर आने के लिए ही अलाउ किया गया है, वरना अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो ये पूरा जो रामलीला मैदान ये खचाखच भरा रहता था, लेकिन इस बार तकरीबन 200 लोगों को ही अनुमति दी गई है और ये कहा गया है कि सब लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। हालांकि जब रावण के पुतले को देखने की बात होती है तो शायद कोई प्रोटोकॉल नज़र नहीं आता, क्योंकि सब में बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, तो सब में कहीं ना कहीं उत्सुकता है कि रावण का जो पुतला है 80 फीट ऊंचा उसे देखा जाए जी, बिल्कुल। पर लखनऊ की ये जो ऐशबाग की रामलीला, इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है जी। बिल्कुल, आपने इसका ऐतिहासिक महत्व भी बताया और ये भी बताया कि 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दशहरे पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो है इस जगह की जो रामलीला है और इस जगह का जो दशहरा है वो अपने आप में बेहद खास रहा। आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कुछ ही देर में जो है रावण दहन होगा।